दोस्तों, हाल ही में क्या आपने अपने सपने में गोबर के उपले बेचे हैं, या सपने में आप गोबर में नहा रहे थे, या आप गोबर से जुड़े सपनों का सही अर्थ खोज रहे हैं? तो आज आपकी खोज पूरी होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको गोबर से जुड़े सभी सपनों का सही अर्थ बताने वाले हैं। हमारे शास्त्रों में गाय के पंचगव्य दूध, दही, मक्खन, गोबर और मूत्र बताए गए हैं, जो कि हमारे शरीर, वातावरण और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा उत्तम माने गए हैं। पंचगव्य से शुद्धता, शक्ति, पवित्रता, निरोगता और पर्यावरण सुधार के लिए बहुत ज्यादा उपयोग बताए गए हैं। हिंदू धर्म की दृष्टि से जिस स्थान पर गाय के गोबर की पोताई की जाती है, वह स्थान सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, और उसी स्थान पर बैठकर पूजा पाठ, हवन, यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण करना अति शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान सुबह सुबह गाय के चरणों की धूल को तिलक के रूप में लगाता है, तो उसे किसी भी तीर्थ की जरूरत नहीं है। साथ ही गाय के गोबर की महिमा का भी बखान किया जाता है। पर यदि गाय का गोबर सपने में दिखाई देता है, तो उसका क्या अर्थ होता है? यदि आप भी यही जानना चाहते हैं, तो दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी ग्रंथ चैनल में। और आज के इस वीडियो में गोबर से जुड़े सभी सपनों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साधारण अर्थ की बात की जाए तो सपने में गाय का गोबर देखना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको व्यापार में बहुत बड़ा धन लाभ मिलने वाला है। साथ ही यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके निवेश में बहुत अधिक वृद्धि होने वाली है। तो दोस्तों, यह तो हुआ साधारण अर्थ। चलिए अब सपने से जुड़े सभी विशेष सपनों के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। सपने में आप अपने आप को गोबर से नहाते हुए देखते हैं, तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके मन सम्मान में कमी आने वाली है। साथ ही यह सपना शारीरिक कष्ट की ओर भी संकेत करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, ताकि सपने के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप अपने घर को गोबर से लीप रहे हैं, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको मेहमानों की ओर से आर्थिक लाभ मिलने वाला है। साथ ही यह सपना परिवार में बढ़ते हुए प्रेम का भी संकेत देता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना करनी चाहिए, ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप गोबर के कंडे का उपला बना रहे हैं, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको धन लाभ होने वाला है। अगर आप सपने में थेपड़ियों का ऊंचा पहाड़ देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि जल्द ही आपको खोया हुआ खजाना मिल सकता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप गोबर के उपले बेच रहे हैं, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आप परिवार के साथ किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनने वाले हैं, जिसके कारण आपका नाम समाज में ऊंचा होने वाला है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए, ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप गोबर के उपलों को बीन कर एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको आपके पुराने निवेश से लाभ होने वाला है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप गोबर को सर पर उठाकर ले जा रहे हैं, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत सारे धन योग बनने जा रहे हैं। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि सपनों के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, और आपका पैर अचानक से फिसलता है और आप गिर जाते हैं, जिसके कारण आपके सारे कपड़े पर गोबर लग जाता है, तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में समाज में आपका मान सम्मान कम होने वाला है। साथ ही यह सपना किसी बड़ी मानसिक परेशानी की ओर भी संकेत करता है।
ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। सपने में गोबर का ढेर देखना एक शुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने वाली है। यदि आप किसान हैं और आप सपने में गोबर का ढेर देखते हैं तो यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपकी फसल बहुत अच्छी होने वाली है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में गोबर से बना हुआ घर देखना एक शुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति होने वाली है। यदि सपने में आप गोबर से बना हुआ घर गिरते हुए देखते हैं तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं आने वाली है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप किसी गोबर के ढेर पर चल रहे हैं तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आने वाली है। साथ ही यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके परिवार में खुशियों का माहौल बढ़ने वाला है। सपने में आप देखते हैं कि आप गोवर्धन पूजा कर रहे हैं तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में चल रही परेशानियां अपने आप समाप्त होने वाली हैं। साथ ही यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आप आने वाले समय में अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने वाले हैं। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। दोस्तों, सपने में भैंस का गोबर देखना एक चेतावनीपूर्ण सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके कारण आप अपराधी की श्रेणी में आने लग जाओगे। अगर आपको अभी तक बताए गए सपनों से कुछ अलग सपना आया है या सपने के बारे में आपका कोई प्रश्न है या आपको कोई विशेष सपना आया है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं जिससे हम रिसर्च करके उसका वीडियो आपके लिए बना सकें। हमारा वादा है कि हम आपके सपने पर पूरे अध्ययन और विश्लेषण के बाद वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ये देखिए उन सभी किताबों का भंडार जिनसे हम आपके सामने प्रूफ और विश्लेषण के साथ सही और पूरी तरह सटीक जानकारी लेकर आते हैं। और कृपया कर ऐसे चैनल से सावधान रहें जो व्यूज के चक्कर में गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।